निर्भया केस के दोषी मुकेश ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी डाली है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को अब चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में वो मौजूद था। ट्रायल कोर्ट में मुकेश की अर्जी पहले ही खारिज कर दी गई है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ निर्भया का दोषी हाईकोर्ट पहुंच गया। महेश गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे से होगी। महेश गुप्ता, एक बार फिर से कहीं ना कहीं लगातार कानूनी अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है, पहले भी ये हुआ फिर खारिज हुई, अब इस वक्त क्या आई है खबर? देखिए, इसको हम कानूनी अड़चन भी नहीं बोलेंगे, ये कहीं पर भी किसी भी तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो वकील इनकी जो LLB की डिग्री है उसकी भी जांच होनी चाहिए, कि जिन वकीलों को ये तक नहीं पता कि ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सब जगह मामला जा चुका है, उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन वो वकील लगा देता है, तो अपने वकालत पर भी धब्बा लगा रहा है। कि जब ट्रायल कोर्ट में ये चीज तय हो गई है कि उसको सजा हो गई है, और वो वकील उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद रह याचिका खारिज होकर फिर ये वो वकील एप्लीकेशन लगाता है कि नहीं साहब मौके पर मौजूद नहीं था, तो पता नहीं ये नॉनसेंस बात है कि कोर्ट भी क्यों इनको अलाउ करता है। ये वो वाली बात हो रही है कि जैसे एक MBBS डॉक्टर है और एक कोई मरीज है, उसको चौक मिट्टी की गोली MBBS डॉक्टर खुद खिला रहा हो, तो आप बोलिए उसकी डिग्री की सब मांग करते हैं, उसकी डिग्री खारिज होनी चाहिए, लेकिन वकीलों के मामले में कोई नहीं बोलता कुछ भी। तो ये तो एक नॉनसेंस वाहियात बात है बिल्कुल, कि एक वकील जो LLB की डिग्री लेके बैठा हुआ है, ट्रायल खत्म हो चुकी है, हाई कोर्ट में अपील खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील खत्म हो चुकी है, फिर रिव्यू पटिशन खत्म हो चुकी है, फिर क्यूरेटिव पटिशन खत्म हो चुकी है, फिर मर्सी पटिशन खत्म हो चुकी है, उसके बाद वो वकील ऐसी एप्लीकेशन लगा रहा है, मतलब ये वाहियात हो रहा है बिल्कुल। ये उनके कोई मायने नहीं है, ये ना ही इसको इस केस पर कहीं किसी भी प्रकार से इस पर कोई असर पड़ना है। इसको क्यों लगता है इस वकील को कि ये एंटरटेन कर लेगी? ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट पहुंच जाता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, सब खारिज हो चुकी, फिर दोबारा लगा देता है, क्यों इसको लगता है कि एंटरटेन कर लेगी याचिका जो एक्सेप्ट हो जाएगी? देखिए, ये इशू ये है क्योंकि किसी की मौत का, जिंदगी का सवाल है, को फांसी की सजा है और वो गरीब है, और उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं, एक आदमी ये लगाता है कि मेरी पड़ोस वाली बिल्डिंग मेरे जो है परदादा के परदादा के परदादा जो 500 साल पहले मर गए थे उनकी थी, और जबकि बिल्डिंग वो शहरी 100 साल पहले बसा हो, तो भी कोर्ट में जब एप्लीकेशन आती है कोर्ट उसको सुनकर डिसमिस करता है जी। कोर्ट घर बैठे किसी को डिसमिस नहीं कर देगा, ये तो कोर्ट की मजबूरी है कि जो भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कोर्ट उसको सुनेगा, डिसमिस करेगा। अब देखने वाला इशू तो ये होता है कि कौन वकील क्या फाइल कर रहा है, और कोर्ट उस पर कॉस्ट लगानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वकील पे कॉस्ट या उस पर कॉस्ट इसलिए नहीं लगाती है कोर्ट, क्योंकि फांसी का मामला है और वो गरीब है, तो कोर्ट उसको चुपचाप सुनकर डिसमिस कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, फिलहाल इस बातचीत के लिए। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.